मसीह की प्रेज द लॉर्ड जय यीशु सहाय। जीवित पवित्र परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने आज का ये सुंदर अवसर को दिया कि आज हम जीवित पाए जाते हैं और उस पवित्र परमेश्वर के नाम की महिमा तारीफ कर पाते हैं। हमारा परमेश्वर महान है, परमेश्वर अनुग्रहकारी, वो जीवन देने वाला परमेश्वर है और उसने ये सुंदर अवसर को दिया मेरे प्रिय भाई बहन कि हम उसके नाम की महिमा, उसके नाम की हम तारीफ कर पाते हैं और उस पवित्र परमेश्वर को हम पुकार पाते हैं जिसने हमें अब तक संभाला, अपनी उपस्थिति में लिए चला। हालेलुया, हालेलुया। वो मुर्दों में से जिंदा खुदा है। बाइबल बताती वो असंभव को संभव करने की सामर्थ रखता है। आमेन। हो सके हम जो कुछ नहीं सोच सकते उससे भी कई गुना बढ़कर परमेश्वर हमारे लिए कार्य कर सकता है। वो विश्वास प्रभु चाहता है हमारे अंदर में। आमेन, आमेन। आइए इस घड़ी अपनी आंखों को हम बंद करेंगे, हम थोड़ी देर धन्यवाद देंगे परमेश्वर का, उसके नाम की महिमा तारीफ करेंगे और कहेंगे प्रभु तो महान है। आइए थोड़ी देर हम उसकी आराधना करें, उसके नाम की हम जय जयकार करें। आप जहां कहीं से भी मुझे देख रहे हैं प्रभु आप सबों को आशीष देगा आज की इस आराधना के दौरान। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम तेरी जय जयकार करते हैं प्रभु। तू पवित्र है यीशु, तू पवित्र है यीशु, तू पवित्र है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु राजा, धन्यवाद हो यीशु राजा। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की। हाँ मेरे खुदावन पिता, हम तेरे नाम की महिमा करते हैं, हम तारीफ करते हैं प्रभु। तेरी करुणा, तेरी दया, तेरी सामर्थ प्रभु हमारे जीवन में सदा बनी रहती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी जय, तेरी जय हो राजा। प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु, तेरे नाम की महिमा हो, महिमा हो। ओ तारीफ हो, तारीफ हो मेरे खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु। तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ प्रभु तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर प्रभु हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, तेरे नाम की हम महिमा करते, तेरे नाम की हम बड़ाई करते, तेरे नाम की हम जय जयकार करते हैं प्रभु। तू पवित्र है यीशु, तू पवित्र है यीशु, तू पवित्र है। हर एक व्यक्ति, जितने लोग इस घड़ी ऑनलाइन मुझे देख रहे, मुझे सुन रहे, धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का, उसके नाम की महिमा करिए, उसके नाम की तारीफ करिए। वो परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु वो जय जयकार के योग्य, प्रभु वो तारीफ के योग्य, प्रभु वो महिमा के योग्य, प्रभु वो प्रशंसा के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। रीखा लाबांदी रेडी बे शांदा खराबा। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, हम तेरी जय जयकार करते। हालेलुया प्रभु, तू पवित्र है पिता, तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु, तेरे तुल्य कोई नहीं प्रभु, तेरे समान कोई नहीं मेरे खुदा। इस घड़ी हम सभी तेरे चरणों में आते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु। तेरी महिमा हो, तेरी तारीफ हो राजा। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आ जा हमारे बीच में, अपनी आशीषों को उंडेल। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद हो यीशु। आइए हर एक व्यक्ति अपने होठों को खोलिए, अपने जुबानों को खोलिए, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए कि प्रभु ने हमें अब तक संभाला, धन्यवाद दीजिए कि प्रभु ने हमारे जीवन की रक्षा किया, रखवाली किया। हालेलुया। ओ रा रखा बाबा 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 देरडे बे शंदा खरड़ा बारा बाला बाला बा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु, पिता तेरी जय हो राजा। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद हो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, तेरी जय, तेरी जय हो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। अब धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, हालेलुया। महिमा हो पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का, उसके नाम की महिमा करिए। थैंक यू जीसस।
दया से निकाला, हमें पाप हटाकर साफ कर दे अपनी सामर्थ से। ग्लोरी टू गॉड पिता परमेश्वर, प्रभु तेरी जय हो, तेरी महिमा हो पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करने के। दलदल के बीच में से दया से निकाला हमें, दलदल के बीच में से दया से निकाला हमें, पाप हटाकर साफ आ
धन्यवाद यीशु प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी आराधना करते हैं प्रभु, हम तेरी जय जयकार करते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद 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 मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु पिता, तेरे नाम की स्तुति हो, तेरे नाम की जय हो राजा। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 मेरे खुदावन प्रभु, तू अभी आज हमारे बीच में अपनी आशीषों को प्रभु तू ढेल दे मेरे स्वामी प्रभु, ताकि हम तेरी आत्मा का अभिषेक से हम भर जाए मेरे खुदावन पिता। जितने प्रिय लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं प्रभु पिता, जहां कहीं से भी ये प्रिय लोग इस आराधना में शामिल हुए हैं, उसी जगह में प्रभु इन प्रियों से बातचीत करना, उसी जगह में अपना सामर्थ का अभिषेक को ढेल देना प्रभु, ताकि हर एक के जीवन में तेरी महिमा के एक अद्भुत और बड़ी गवाही होने पाए यीशु के नाम में। आज जितने प्रिय लोग आराधना में शामिल होते हैं पिता, मैं प्रार्थना करता हूं उन प्रियों के जीवन को प्रभु तो आशीष देना, अपनी आत्मा सामर्थ शक्ति से अपने एनॉइंटिंग से प्रभु भर देना मेरे खुदा पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी आशीष के लिए प्रभु। जब इस घड़ी में और भी गीतों को हम गाते हैं, तेरे वचन में से सुनते हैं प्रभु, आराधना के एक एक भागों में प्रभु हमारे के जीवन में अपनी उपस्थिति को देना प्रभु, ताकि हम सभी तेरे प्रेम से भर दिए जाए। खुदावंत पिता हम धन्यवाद देते, तूने प्रार्थना को सुना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को आशीष दे, परमेश्वर एक के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करे, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर महान है, परमेश्वर जीवन देता है। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं कि प्रभु ने आपको जीवन दिया है? हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रिय भाई, मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, आराधना बहुत इंपॉर्टेंट है। पौलुस और सिलास को स्मरण करिए कि कैसे जब जेल खाने में बंदी गृह में बंद है, वहां पर वे लोग गीतों को गाकर प्रभु की आराधना कर रहे थे, और जब वे गीतों को गा रहे आराधना कर रहे, किस प्रकार से परमेश्वर का प्रेजेंस वहां पर आया। मैं आपको कहना चाहूंगा, आज जब हम आप हमारे साथ मिलकर आराधना करिएगा, वही प्रेजेंस प्रभु आपके जीवन में भी देगा। हालेलुया हालेलुया। जहां कहीं से भी आप उसी जगह से ताली बजाकर प्रभु की महिमा के गीतों को गाइए, आमीन आमीन। हम गाएंगे हे यीशु महान, हे यीशु महान, तेरी जय तेरी जय। अगर आप इस सॉन्ग को नहीं जानते हैं, आपकी स्क्रीन पर लिरिक्स होगा, आप ऊंचे आवाज में एक साथ मिलकर प्रभु की महिमा के लिए गाएं, आमीन। हमें किसी मनुष्य के लिए नहीं, किसी भाई बहन के लिए नहीं, लेकिन हमें परमेश्वर के लिए गाना है, आमीन। और जब आप परमेश्वर के लिए महिमा के गीतों को गाइएगा, स्वर्ग से परमेश्वर में देखता है, वो हमको आशीष देगा। और जरूर आज की आराधना के वीडियोस को आप अलग अलग लोगों को शेयर करिए, अपने परिवार वालों को शेयर करिए, मसीह ग्रुपों में शेयर करिए, ताकि और भी लोग इस आराधना में जुड़कर प्रभु की आशीष को प्राप्त करेंगे, आमीन आमीन। आइए इस घड़ी गीत को हम ताली बजाकर हम गाएंगे और प्रभु का हम धन्यवाद देंगे। हे यीशु महान, हे यीशु महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। इस गीत को हम ताली बजाकर हम गाएं और हम प्रभु का हम धन्यवाद करेंगे, आमीन। ताली बजाकर प्रभु की महिमा करने का है, आमीन। ये
ऐसा हो ना सका कभी हमसे भया। तेरी जय आमेन। जब तेरी प्रशंसा करने चले, जब तेरी गुणों को गिनने चले, जब तेरी प्रशंसा करने चले, जब तेरी गुणों को गिनने चले, तेरा हो ना सका कभी हमसे भया, तेरा हो ना सका कभी हमसे भया। तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। यीशु महान, तू कितना महान, तेरी जय, तेरी जय। मैं ताली बजाकर, हर दिल में तेरा है मान बड़ा, पानी को तुझे हर मान बड़ा, हर दिल में तेरा है मान बड़ा, पानी को तुझे हर मान बड़ा। ये यीशु महान, तू कितना महान, हालेलुया, हालेलुया। आइए इस घड़ी अपने हाथों को स्वर कर उठाए, मैन अपने हाथों को स्वर कर उठाए और थोड़ी देर परमेश्वर की महिमा करें, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित करें। और आइए इस घड़ी अपने पापों की क्षमा के लिए हम पश्चाताप करें थोड़ी देर। आइए हम प्रभु से कहें, पिता मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे अपराधों को क्षमा कर, मेरे गुनाहों को क्षमा कर, प्रभु मुझे छू ले, पिता मुझे पवित्र कर दे। हर एक व्यक्ति थोड़ी देर प्रार्थना करिए, हो राबा शाखा बा राखू उस्ताबा मामास्ते रिलीबे शाबा लाबा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, प्रभु तेरी जय हो। हर एक व्यक्ति प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए और प्रभु को बोलिए, पिता मेरे पापों को क्षमा कर, पिता मेरे अपराधों को क्षमा कर, प्रभु मुझे छू ले, प्रभु मुझे पवित्र कर दे। मेरे स्वामी रिखा लबास तो रो बोस्ता बाबा 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 मंदे रे बे शबा लबा लबा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ राजा प्यारे परमेश्वर प्रभु, हम तेरी जय जयकार करते हैं। ओ मेरे खुदावन प्रभु, हम तेरी महिमा करते हैं। ओ प्रभु, हम तेरी स्तुति करते हैं। प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं, प्रभु तेरे तुल्य कोई नहीं, प्रभु तेरे समान कोई नहीं। रिखास तमास तेरी बोलता बाबा। हर एक व्यक्ति प्रार्थना करिए अपने हाथों को उठाकर और बोलिए, प्रभु मेरे जीवन से जो भूल चुक पाप अपराध हुआ, प्रभु मुझे छू ले, प्रभु मुझे पवित्र कर दे। प्रभु मैं पश्चाताप करता हूँ, प्रभु मैं अपने गलतियों को मानता हूँ कि मैंने तेरे विरुद्ध में पाप किया है। हर एक व्यक्ति अपने हाथों को उठाए, बहुत इंपॉर्टेंट समय है मेरे प्रिय भाई बहन। और इस घड़ी कई लोगों को प्रभु छुएगा, पश्चाताप भी मन देगा। हो रा बाबा 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 हो रे बेबे शाखा बारा डाबा। प्रभु का अभिषेक एक एक जीवन में उतरने पाए इसी घड़ी। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। पिता इस घड़ी हम तेरे चरणों में आते हैं, छूले हरेक के जीवन को प्रभु, अभिषेक कर दे।
हम प्रार्थना करते अपने वचन के द्वारा बातचीत करना, मेरे पापों को क्षमा करना, मेरे गुनाहों को क्षमा करना प्रभु, मुझे शुद्ध पवित्र करना पिता, ताकि आज जब हम तेरे वचन को सुने प्रभु पिता, तू मेरी अगुवाई करना, ताकि मैं तेरी आत्मा का अगुवाई में प्रभु आज के वचन को प्रभु लोगों के बीच में रखने पाऊं प्रभु, तू मेरी सहायता और मदद करना, अपनी उपस्थिति में मेरे जीवन को लिए चलना प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ जितने लोग आज के वचन को सुनेंगे, हर एक जीवन से का बातचीत करना, के जीवन को अपनी आत्मा से भर देना मेरे खुदा पिता, हम धन्यवाद देते, तूने प्रार्थना को सुना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन 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 आमीन, हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को आशीष दे आज के इस सुंदर समय में, और मैं आप सबों का इस ऑनलाइन आराधना में स्वागत करता हूं, विशेष ऐसे प्रिय लोग जो हो सके फर्स्ट टाइम इस आराधना में शामिल हुए, प्रभु आप सबों को बहुत तहत की आशीष दे, अंतिम तक जुड़े रहें क्योंकि प्रभु आपसे बातचीत करेगा, आमेन आमेन। अंत तक जब हम जुड़े रहते हैं परमेश्वर का वो ब्लेसिंग जो हम हर एक प्रेयर में, हर एक गीतों में, हर एक वचन में हम जो स्वीकार करते वो उतरता जाता है मेरे प्रिय भाई बहन। इसलिए लगातार प्रार्थना में रहना है और संगति को, अपना संगति को हमको मजबूत करना है, आमेन। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन को जाएं, जरूर याद रखें सैटरडे को शाम 7:30 बजे फास्टिंग प्रेयर, और संडे सुबह 9:30 बजे संडे आराधना हमारे फेसबुक यूट्यूब चैनल पर चल रही है रेगुलर, आप जरूर शामिल होवे इन सारे कार्यक्रमों में और प्रभु आशीष देगा। अगर आप रांची शहर से मुझे देख रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपके घर में फैमिली ब्लेसिंग प्रेयर हो, कॉटेज मीटिंग हो, आप हमें कॉल कर सकते हैं, जरूर मैं और हमारी टीम आपके पास में होगी और हम आपके साथ मिलकर प्रभु के नाम की महिमा करेंगे, आमेन। मैं ज्यादा समय नहीं, लेकिन मैं कुछ समय मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय उसका 38 पद, हिब्रू चैप्टर 10:38, इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय उसका 38 पद जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर बहुत ही अच्छा वचन लिखा है, हिब्रू चैप्टर 10:38 लिखा, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। इन दिनों में लगातार मैं धार्मिकता के विषय में मैं प्रचार कर रहा हूं, अगर आपने हमारी ऑनलाइन आराधना में रेगुलर आप शामिल हुए, मैं इसी बात में मैं बतला रहा हूं, धार्मिकता धर्म। मेरे प्रिय भाई बहन यहां पर लिखा मेरा धर्मी जन, प्रभु यीशु मसीह बोलता है मेरा धर्मी जन, कहने का मतलब क्या है कि जो मुझ पर विश्वास करता है, लिखा वो विश्वास से ही क्या रहेगा, जीवित रहेगा। मेरा अच्छा, मेरा जन, मेरा धर्मी जन जो मेरे आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को चलाता है, वो विश्वास के द्वारा क्या रहने पाएगा, जीवित रहने पाएगा। एक बहुत बड़ा चैलेंज है यहां पर और एक प्रॉमिस वर्स है जिसे प्रभु यीशु मसीह हम और आपके लिए दिया है कि मेरा धर्मी जन विश्वास से क्या रहेगा, जीवित रहेगा। कहने का मतलब परमेश्वर उसको सही समय पे सारी चीजों को उसके जीवन में देगा। धर्मी जन बनने के लिए लिखा है कि मन से विश्वास करना। एक धर्मी व्यक्ति बनने का मतलब है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाना। एक धर्मी व्यक्ति बनने का मतलब है कि परमेश्वर की कही हुई बातों को मानना, उसकी संगति में रहना। और आज मैं इसी टॉपिक के आधार पर मैं 2 कैरेक्टर के विषय में, अय्यूब और नूह के विषय में मैं बताऊंगा कि कैसे उनका विश्वास उसके जीवन को बचाया। मेरे प्रिय भाई बहन, दोनों के जीवन में भारी विपत्ति आई, भारी संकट आई, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मेरा धर्मी जन विश्वास से क्या रहेगा, जीवित रहेगा। और ये वचन उन दोनों के जीवन में पूरा हुआ। उत्पत्ति की किताब उसका 6 अध्याय जेनेसिस चैप्टर 6:7, उत्पत्ति की किताब उसका 6 अध्याय उसका 7 पद से पढ़ते हैं तो लिखा है, तब यहोवा ने कहा मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूं,
परमेश्वर ने एक भारी निर्णय को लिया है और इस निर्णय में उसने ये कहा कि मैं पृथ्वी पे जितने कुछ मैं बनाया हूं सबको मैं क्या कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा, यहां तक कि मैं मनुष्यों को भी मैं नष्ट करूंगा। परमेश्वर एक योजना को बनाया मेरे प्रिय भाई बहन, और उस योजना में उसने साफ जाहिर किया कि मैं पृथ्वी में सब चीजों को क्या कर दूंगा, मैं मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है मालूम है, 8 पद में लिखा, परंतु यहोवा के अनुग्रह का दृष्टि नूह पर बनी रही। क्यों? परमेश्वर सबको नष्ट करना चाह रहा है लेकिन नूह के ऊपर में क्यों दया कर रहा है? 9 पद में जब पढ़ते हैं तो लिखा, नूह की वंशावली यह है कि नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट पद है। नूह का जीवन धार्मिकता का जीवन था। नूह एक धर्मी व्यक्ति, नूह एक खरा, एक मजबूत व्यक्ति था मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति था। हमने पढ़ा कि मेरा धर्मी जन क्या से जीवित रहेगा, विश्वास से। और नूह अपने आप को एक धर्मी व्यक्ति बनाया, परमेश्वर के साथ साथ चलना शुरू किया अपने लाइफ में। और मालूम है परमेश्वर यह निर्णय खो लिया कि मैं पृथ्वी पर जल प्रलय भेजकर मैं सब चीजों को मैं नष्ट कर दूंगा, मैं सब मनुष्यों को नष्ट कर दूंगा, सारे जीव जंतुओं को मैं नष्ट कर दूंगा। लेकिन नूह के ऊपर में परमेश्वर दया कर रहा है, परमेश्वर नूह के ऊपर में दया कर रहा। मैं आपको कहना चाहूंगा, आप जहां कहीं भी रहते हैं, हो सके आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पर चारों तरफ लोग आपका विरोध करते होंगे, चारों तरफ लोग पाप में होंगे और आप प्रेयर करते हैं, कोई बात नहीं मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आपकी सुरक्षा करना जानता है, परमेश्वर आपके जीवन की रक्षा करना जानता है। हो सके चारों तरफ आप बीमारी को देख रहे होंगे लेकिन आपको परमेश्वर जानता है कैसे वो प्रोटेक्शन देगा, परमेश्वर जानता है अपने लोगों को संभालना। मेरे प्रिय भाई बहन, अगर आप विश्वास करते हैं मैं आपको कहना चाहूंगा, चिंता मत करिए। हो सके आप नौकरी चाहते हैं, आपने देखा हजारों लोगों ने एक नौकरी के लिए एग्जाम दिया, आप निराश से हताश से। अगर आप एक धार्मिकता का जीवन को जीते मेरे प्रिय भाई बहन, हजारों में परमेश्वर एक आपको चुनेगा, आमीन, अगर आप विश्वास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर अद्भुत तरीके से काम करता है, परमेश्वर अद्भुत तरीके से काम करता है। एक भाई से पिछले दिन मैं बात कर रहा था, एक जवान से, और उसने मुझसे कहा, मैं उनसे बात कर रहा था और उसने कहा कि मैं अपने स्कूल में कभी भी मैं प्राइज को नहीं जीत पाया। मैंने पूछा कि किस प्रकार का प्राइज को तुम मुझसे मुझे बोल रहे हो करके। उसने कहा कि मैं कभी भी कंपटीशन में मैं भाग लेता था, कभी भी मैं सफल नहीं हो पाया, और अब तो मैं स्कूल से बाहर निकल चुका हूं, मेरे लाइफ में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है। जब मैं देखता था किसी को किसी को गिफ्ट मिल रहा है, मैं बहुत खुश होता था और मैं सोचता था काश मुझे भी वो गिफ्ट मिलता, वो प्राइज मिलता। हो सके वो ड्राइंग कंपटीशन हो सके वो सिंगिंग कंपटीशन हो, चाहे वो स्पीच कंपटीशन, वो अपने स्कूल में इस प्रकार से वो सोचता था, या खेल कूद किसी प्रकार का गेम्स हो। और मैं बात करते करते मैं अपना गवाही को मैं देने लगा, मैं अपनी गवाही को मैं बता रहा था कि कैसे परमेश्वर ने मेरे जीवन को आशीष दिया। और मैं भी अपने जब मैं मिडिल स्कूल में था, मैं सोचता था कभी भी मिडिल स्कूल में मुझे एक भी प्राइज मुझे नहीं मिला, एक भी प्राइज नहीं मिला। हाई स्कूल पहुंचा, 7th क्लास भी मैं पहुंचा, मेरे पास में कोई भी प्राइज नहीं था। और मैं कई बार मैं सोचता था, मैं देखता था जब स्पीच कॉम्पिटिशन हो या फिर किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिशन हो, मैं सोचता था काश मैं प्राइज को जीत पाता। वेकेशन बाइबल स्कूल होता था छोटे बच्चों का, उसमें मैं जाता था, लेकिन वहां भी मैं अपने आप को असफल मैंने देखा कि कुछ भी प्राइज नहीं। लेकिन 8th क्लास जब मैंने अपना जीवन प्रभु को दिया, प्रभु को जब मैंने दिया मेरे प्रिय भाई बहन, मेरे जीवन में बहुत बड़ी गवाही आई कि जब मैंने प्रभु को अपना जीवन दिया और मैं
परमेश्वर के वचन का मैं प्रचार करना शुरू किया और मैंने प्रेयर करना शुरू किया अपने लाइफ में। उसके बाद मैंने अपने स्कूल में कई प्राइजों को मैंने जीता, स्पीच कॉम्पिटिशन में, इंग्लिश, हिंदी, अन्य सारे कॉम्पिटिशन में परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मैं कभी भी मैं सोच नहीं सकता था। लेकिन देखिए कैसे परमेश्वर प्राइज को मेरे जीवन के लिए उपाय किया। मेरे जीवन में मैं सोचता था, मेरे प्रिय भाई बहन, हो सके आप अपने लाइफ में, मेरा कहने का मतलब ये कि आप सोचते होंगे कि मैं हमेशा सफल हो जाता हूं, लेकिन अगर आप प्रेयर करने वाले व्यक्ति हैं, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपको नीचे नहीं ऊंचा खड़ा करेगा। लिखा है, मैंने तुमको पूंछ नहीं बनाया है, मैंने तुमको सिर बनाया है। परमेश्वर आपको नीचे नहीं रखा है। परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोगों, मैं आपको कहना चाहूंगा, आप ऊंचे उठेंगे। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। एक कॉम्पिटिशन गुमला में हुआ, मैं अपने स्कूल में हिंदी स्पीच में मैं फर्स्ट आया जब मैं 10th क्लास में था। और मुझे स्कूल तरफ से जब फर्स्ट प्राइज हिंदी कॉम्पिटिशन में मिला, मुझे गुमला भेज दिया गया कि वहां पर कई स्कूल वाले लोग एक साथ शामिल हुए और उनके बीच में उनसे कॉम्पिटिशन करना था। और मैं वहां पर गया और मैंने पहला ही वर्ड, जब हिंदी कॉम्पिटिशन का समय आया, स्पीच का समय आया, जब मेरा नाम पुकारा गया, मैंने फर्स्ट ही वर्ड मैंने गलत बोल दिया। और मैं सोच में पड़ गया कि फर्स्ट वर्ड ही मैंने गलत बोला है तो पूरा स्पीच तो ऐसे ही खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। मैं बहुत चिंता करने लगा। जब मैं स्पीच देकर आया, मैंने अपने ब्रदर से पूछा, हमारे जो सर थे उसको मैंने कहा कि मेरा स्पीच कैसा था सर। उसने भी मुझे यही कहा कि फर्स्ट वर्ड तुम्हारा गलत हो गया, जिसके कारण से हो सके, फर्स्ट वर्ड जब गलत हो जाता है तो जजेस का माइंड भी उसी रीति से वो बदल जाता है। और उसने मुझे ऐसा ही कहा और मैं बहुत निराश हो गया कि इस बार मेरे से नहीं हो सकता है, लेकिन परमेश्वर महान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं बस प्रेयर कर रहा था कि प्रभु कुछ भी हो जाए। जब थर्ड नाम पुकारा गया, जब मैंने, क्योंकि मैंने ठान लिया था कि अगर मिलेगा तो मुझे थर्ड मिलेगा, अन्यथा मुझे कुछ नहीं मिलेगा। और जब प्राइज का बारी आया, जब थर्ड का नाम पुकारा गया, मैंने देखा मेरा नाम नहीं था, मैं बहुत निराश हो गया। मैं सोचा कि अब नहीं हो सकता, लेकिन सेकंड प्राइज परमेश्वर ने उस जगह में मुझे दिलाया। हालेलुया, परमेश्वर अद्भुत तरीके से कार्य किया। मेरे प्रिय भाई बहन, मेरा कहने का मतलब यही है, परमेश्वर जैसा नूह के समय में सब चीजों को परमेश्वर बोला मैं नष्ट कर दूंगा, लेकिन परमेश्वर की अनुग्रह का दृष्टि नूह पर बनी रही, क्योंकि नूह एक धर्मी व्यक्ति था, नूह एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, नूह एक परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति था। आप कहीं भी हैं, अगर आप परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं तो आप सबसे ज्यादा सामर्थी व्यक्ति अपने इलाके में। हालेलुया, हालेलुया, आप एक अद्भुत व्यक्ति हैं, परमेश्वर आपको उसी जगह खड़ा करेगा, आपको आदर का योग्य बनाएगा। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। और ऐसा हुआ, 40 दिन 40 रात लगातार भारी वर्षा होती गई। जब हम पढ़ते उत्पत्ति उसका 7 अध्याय उसका 17 पद में, आप पूरा वचन को डिटेल से पढ़िएगा, लेकिन मैं शॉर्ट में कुछ वचनों को मैं बोलना चाहता हूं। जेनेसिस चैप्टर 7:17 में लिखा है, उत्पत्ति 7:17 में, पृथ्वी पर 40 दिन तक जल प्रलय होता रहा और पानी बहुत ही बढ़ गया, जिससे जहाज ऊपर को उठने लगा और वह पृथ्वी पर से ऊंचा उठ गया। 18 पद में लिखा, जल बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर बहुत ही बढ़ गया और जहाज जल के ऊपर ऊपर तैरता रहा। और 19 पद में लिखा है, जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया, यहां तक कि सारी धरती पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे सब डूब गए। 20 पद में लिखा, जल 15 हाथ और ऊपर बढ़ गया और पहाड़ भी डूब गया। और क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या बनैले पशु और पृथ्वी पर सब चलने वाले प्राणी और जितने जंतु पृथ्वी में बहुतायत से भर गए थे, वे सब और सब मनुष्य लिखा है मर गए। सब मर गए मेरे प्रिय भाई बहन, जल प्रलय के द्वारा परमेश्वर ने सबको नष्ट किया, लेकिन नूह को बचाया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। और जिसके कारण से मेरे प्रिय भाई बहन, नूह का विश्वास करना व्यर्थ नहीं गया, परमेश्वर नूह का जीवन को बचाया। सब मनुष्य मर गया, लेकिन नूह और नूह का परिवार को परमेश्वर ने बचा लिया।
हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, परमेश्वर आप जहां भी हैं, परमेश्वर उस जगह में आपको ऊंचा पद में खड़ा करेगा। और जब जल प्रलय का सब समय जब समाप्त हुआ, जब जल सूखने लगा, नूह धन्यवाद करने पाया। उत्पत्ति 8 अध्याय का 20 पद में लिखा है, तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और वेदी में उसने उसको बलिदान दिया। उसने प्रभु के सम्मुख में बलिदान को चढ़ाया। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको कहना चाहूंगा, विश्वास रखिए, निराश मत होइए, हताश मत होइए। बीमारी आएगी, दुख आएगी, तकलीफ आएगी, लेकिन अपने विश्वास को कभी कमजोर मत करिए, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में आपके जीवन को और आगे बढ़ाएगा। आपके साथ में कुछ गलत होने परमेश्वर नहीं देगा, बस विश्वास। कई बार थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो जाता है मेरे प्रिय भाई बहन, हम लोग बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, बहुत जल्दी हम हताश हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा, निराश ना होना, क्योंकि निराशा शैतान साक्षात हमारे ऊपर में अटैक करता है। निराशापन शैतान साक्षात हमारे जीवन में अटैक करता है। जब हम उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, दुख में चले जाते हैं, शैतान उस समय बहुत ज्यादा कार्य करता है। क्यों काम करता है? ताकि आप नष्ट हो जाएं। अय्यूब के साथ में ऐसा ही कुछ हुआ। शैतान हजार प्रयास कर रहा है कि अय्यूब के दुख को बढ़ाया जाए। आप जानते होंगे कि कैसे शैतान परमेश्वर को चैलेंज किया। अय्यूब की किताब उसका 1 अध्याय उसका 6 पद से, जॉब चैप्टर 1:6, अय्यूब की किताब उसका 1 अध्याय उसका 6 पद में लिखा, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने कहा, यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं। 8 पद में यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। परमेश्वर गर्व के साथ में बोला शैतान को कि देख मेरे दास अय्यूब को कितना मुझ पर विश्वास करता है। हालेलुया। लेकिन शैतान मालूम है क्या बोलने लगा? जब परमेश्वर बोला अय्यूब को, देख कितना मुझ पर विश्वास करता है, बुराई से दूर रहता है, मेरा भय मानता है, शैतान बोलने लगा कि अरे परमेश्वर, आगे आप पूरा डिटेल पढ़िए, आपको अच्छा लगेगा। शैतान बोला, अरे परमेश्वर, आप तो उसको इतना लाभ दिए जीवन में, सब चीज तो देते जाते हैं, तो क्या वो नहीं पुकारेगा? एक बार सब चीज देना बंद कर दे, देखिएगा तेरे मुंह पर प्रभु वो इनकार कर देगा, निंदा करेगा। 11 पद में लिखा, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। परमेश्वर, शैतान परमेश्वर को बोल रहा है, लेकिन परमेश्वर बोला, मेरा दास ऐसा नहीं है। लेकिन शैतान चलाक है, शैतान ने आज्ञा मांगा कि एक बार मुझे छूने दे। और शैतान क्या किया? शैतान का काम देखिए, यहीं से पता चलता है, साफ पता चलता है, शैतान का काम है लोगों के जीवन को बर्बाद करना। और ऐसा ही हुआ, जब शैतान को मौका मिला तो अय्यूब के परिवार को उसने बर्बाद कर दिया, अय्यूब के धन संपत्ति को बर्बाद कर दिया, अय्यूब के सारी चीजों को शैतान ने बर्बाद कर दिया। शैतान कभी किसी को खुश देख नहीं सकता और खुश रख भी नहीं सकता। मेरे प्रिय भाई बहन, याद रखिए, संसारिकता का चीजें, याद रखिए, ज्यादा दिन तक हमारे आपको खुश नहीं रख सकता है। और ऐसा ही हुआ, शैतान ने अय्यूब का सब चीज उजाड़ दिया। यहां तक कि लिखा है 2 पद में, अय्यूब उसका 2 अध्याय उसका 7 पद में लिखा, तब शैतान ने यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांव के तलवे से ले सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से भर दिया। अय्यूब के जीवन में भारी विपत्ति आ गई। एक धर्मी जन के जीवन में क्या प्रॉब्लम शैतान डाल रहा है, देखिए क्या तकलीफ को डाल रहा है। लेकिन अय्यूब का फेथ क्या था मालूम है? अय्यूब का विश्वास जब मैं पढ़ा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अय्यूब की किताब उसका 19 अध्याय उसका 25 पद, ये वचन बहुत ही सामर्थ्य वचन, मैं आपके सामने मैं रखना चाहता। अय्यूब की किताब उसका 19 अध्याय उसका 25 पद, अय्यूब का बस एक ही विश्वास था, उसने कहा
अय्यूब उसका 19 अध्याय जॉब चैप्टर 19 वर्स 25 में, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। उसके अंदर यह विश्वास था कि मेरा छुड़ाने वाला मुर्दा नहीं है, मेरा छुड़ाने वाला गूंगा बहरा नहीं है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित परमेश्वर वो जिंदा है, वो जब खड़ा होगा ओह ये बीमारी वो तकलीफ दूर जाएगी। पत्नी उसका साथ छोड़ दी थी अय्यूब का, बच्चे मर चुके थे, अय्यूब बिल्कुल अकेला हो गया था अपने साथ समय में, भारी विपत्ति से गुजर रहा है। मित्र लोग आए उसका दुख को देखकर, उसने देखा कि इसका दुख तो बहुत बड़ा, मित्रों ने भी उसका साथ छोड़ दिया, लेकिन अय्यूब अपने आप में मजबूत रहा और उसने कहा कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। क्या आप विश्वास करते हैं कि आपको चंगा करने वाला परमेश्वर जिंदा है? क्या आपके अंदर में यह विश्वास है कि मैं जिस परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं, जिस परमेश्वर की मैं संगति रखता हूं, जिस परमेश्वर की महिमा को के गीतों को मैं गाता हूं, वो जिंदा खुदा है? क्या आप ये विश्वास रखते हैं? अय्यूब तो कहता है कि मुझे तो निश्चय मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। ये विश्वास के साथ वो आगे बढ़ा और परमेश्वर का वचन कहता है मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और ऐसा ही हुआ। अय्यूब उसका 42 अध्याय उसका 10 पद में लिखा, जॉब चैप्टर 42 वर्स 10, अय्यूब की किताब उसका 42 अध्याय उसका 10 पद में, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख क्या कर दिया, दूर कर दिया, और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगुना यहोवा ने उसे क्या कर दिया, दे दिया। देखिए कैसे परमेश्वर अपने लोगों का उद्धार करता है। धर्मी जन को परमेश्वर अपने विश्वास के द्वारा जीवित रखता है, उसकी परिस्थिति को विश्वास के द्वारा वो बदलता है। आज हो सके आपके जीवन में दुख होगा, हो सके आपके जीवन में बीमारी होगी, आज हो सके आपके जीवन में बहुत सारा चैलेंज होगा, हो सके आप कर्ज से होकर गुजर रहे होंगे, हो सके आप नाना प्रकार की समस्याओं से होकर गुजर रहे होंगे। मैं आपको कहना चाहूंगा अय्यूब और नूह के नाई अपने आप को मजबूत व्यक्ति बनाइए, विश्वास में अपने आप को मजबूत करिए। ये मत सोचिए आज मैं बीमार हूं इतना प्रेयर कर रहे हैं कहां मुझे चंगाई मिल रहा है। कई लोग ऐसे ही सोचते हैं और जहां इस प्रकार का सोच आता संदेह आता वहां पर से प्रेयर कट जाता है। याद रखिए हम हमारे जीवन में शैतान बहुत जल्दी जाता है, अरे इतना दिन तुम चर्च जा रहे हो तुमको क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, इतना दान देते हो तुमको क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। शैतान ऐसा माइंड में हमेशा याद रखिए डालता है, और शैतान उन्हीं लोगों के जीवन में ज्यादा काम करता है जो लोगों का प्रेयर मजबूत हो रहा है। अय्यूब अपने विश्वास में इतना ज्यादा मजबूत हो चुका था कि शैतान ने काम करना शुरू कर दिया। लेकिन देखिए अय्यूब अपने आप को कमजोर नहीं किया। आप कभी अपने आप को कमजोर मत करिए। नेगेटिव चीजें आएंगी, आप उसे नजरअंदाज करिए, अपने जीवन से उसे दूर करिए और प्रभु की महिमा में आगे बढ़िए। परमेश्वर सारे दुखों को आपके जीवन से दूर करेगा जैसा अय्यूब के जीवन से दूर किया। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आज आपके सारे दुखों को दूर करेगा? अगर आप विश्वास करते मैं आपको कहना चाहूंगा ये वचन प्रॉमिस वर्स है इब्रानी 10 अध्याय 38 पद में कि पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, यदि उसका मन पीछे हट जाए तो मेरा मैं उससे खुश नहीं होगा। परमेश्वर का वचन कहता है मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। इसलिए प्रभु से हमको दूर नहीं हटना है, कोई भी परिस्थिति आ जाए। अगर आप चर्च जा रहे हैं रेगुलर जाइए मेरे प्रिय भाई, मत छोड़िए। कोई भी परिस्थिति आ जाए, आप संगति रखते हैं आप संगति मत छोड़िए। कोई भी परिस्थिति आ जाए मेरे प्रिय भाई बहन, आप प्रेयर करते हैं प्रेयर करना बंद मत करिए। आप बाइबल पढ़ते हैं बाइबल पढ़ना बंद मत करिए। जब आप एक धार्मिकता का जीवन को जिएंगे, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, ये वचन आपके जीवन में पूरा होगा। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, आज हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन जब समय आएगा, जब दुख तकलीफ एक परिस्थिति ऐसा समय आएगा, उस समय आप कहेंगे कि हाँ ये वचन तो मेरे लिए है, ये वचन मेरे जीवन में पूरा होगा। आमेन। आइए इस खड़ी अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे और हम प्रभु से हम कहेंगे कि परमेश्वर मेरे जीवन को शुद्ध कर दे। रबास तबा, हालेलुया, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। जितने प्रिय लोग मुझे लाइव देख रहे हैं मैं प्रार्थना करता हूं हर एक के लिए,
यीशु मसीह के नाम में रिखा रबास्तो रोडोबोस्ता पापा 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 थैंक यू जीसस हालेलुया 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 थैंक यू जीसस ग्लोरी टू गॉड। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें थोड़ी देर, प्रार्थना करें थोड़ी देर, प्रार्थना करें और प्रभु को बोलें कि पिता मेरे जीवन को शुद्ध कर दे प्रभु, मैं धार्मिकता का जीवन को जीना चाहता हूं प्रभु, पिता परमेश्वर मैं पाप का जीवन को जीना नहीं चाहता हूं, मैं पाप का जीवन को नहीं जीना चाहता हूं प्रभु, मुझे माफ करना प्रभु, पिता मैं अपने मन को पीछे नहीं करना चाहता हूं, तुझसे अलग मैं नहीं होना चाहता हूं प्रभु। आइए अपने हाथों को उठाकर थोड़ी देर बोले, जैसा नूह का विश्वास था मेरा विश्वास भी उसी प्रकार मजबूत हो जाए, जैसा वो खरा व्यक्ति था मैं भी एक खरा व्यक्ति हो जाऊं, जैसा वो तेरे साथ साथ चलता था परमेश्वर मैं भी तेरे साथ साथ चलने वाला व्यक्ति बन जाऊं। आइए अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करिए और थोड़ी देर बोलिए, जैसा प्रभु नूह का विश्वास था मेरा विश्वास भी उसी प्रकार मजबूत हो जाए, जैसा अय्यूब सीधा व्यक्ति था मैं भी एक सीधा व्यक्ति बन जाऊं, मेरा स्वभाव भी प्रभु सीधा होने पाए, मेरा जीवन भी प्रभु सीधा होने पाए, जैसा अय्यूब का जीवन था मेरा जीवन भी उसी प्रकार धार्मिकता के प्रेम में आगे बढ़े। ओ हालेलुया हालेलुया, मुझे एक धर्मी पुरुष बना, मुझे एक धर्मी पुरुष बना, प्रार्थना करिए धर्मी व्यक्ति बना, परमेश्वर को बोलिए परमेश्वर अभिषेक करेगा रा बाबा 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 शबा लबा। मेरे प्रिय भाई बहन मैं आपको कहना चाहूंगा, आप एक एनॉइंटेड व्यक्ति हैं, आप एक बहुत अद्भुत लोग हैं, आपने प्रभु को जाना और प्रभु से आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आपसे प्रेम करता है, प्रभु आप सबों के जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। परंतु मेरे प्रिय भाई बहन हमारा आपको अपने आप को मजबूत करना है। हालेलुया राशे के रे रे बेशा मा 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 हो राला ला बांदे रे रे बेशा खा बाला बा तुझको महिमा देकर हालेलुया हालेलुया री बा 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 शा बाला बाला बा। प्रेयर करिए प्रार्थना करिए क्योंकि प्रभु इसी घड़ी आपसे बातचीत करेगा, प्रभु का सामर्थ्य आपके जीवन में उतर जाएगा, प्रभु का अभिषेक आपके जीवन में उतर जाएगा। होली जीसस Ura ba ma ba storo robo sta ba 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 ba. Jesus Lord, har ek vyakti prayer kariye, prayer kariye, prayer kariye, prayer kariye. Holy Jesus, ura la ba tere ribisha ka ba ma 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 ma. Holy Jesus Lord. प्रभु का अभिषेक कई लोगों के ऊपर में इसी घड़ी उतरेगा। मेरे प्रिय भाई बहन प्रभु बोलिए, जैसा ये अय्यूब ने अपनी तकलीफ में अपने दुखों में अपने आप को मजबूत बना के रखा, मुझे भी ये सामर्थ्य कि मैं भी अपने हर परिस्थिति में अपने आप को कमजोर ना करूं, मैं मजबूत व्यक्ति बनने पाऊं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, ग्लोरी ओ राशे के रे ले बे शका बा 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 शा बा ला बा। Glory to God, Jesus name. इसको छोड़कर दूर जाने रिखा सा बा 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 बा। आपको जहां कहीं भी तकलीफ होता है इस घड़ी अपने हाथों को रखें और मैं प्रेयर करने के लिए जा रहा हूं, प्रभु इसी घड़ी आपको छुएगा, इसी घड़ी छुएगा। ओ राखा बाबा 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 शबाला बाबा अपने हाथों को रखें, जहां कहीं आपको प्रॉब्लम है इसी घड़ी राइट नाउ प्रभु इसी घड़ी आपको छू रहा है। ओ राखा देखे देवे शाखा ना करो रोगो। ओ पिता मैं प्रार्थना करता हूँ जहाँ कहीं भी प्रियो ने अपने हाथों को रखा है आजाद हो जाओ, वो बीमारी वो दर्द वो तकलीफें यीशु के नाम में शरीर को छोड़ दे, छोड़ दे, पार कर दे यीशु के नाम में। मैं आज्ञा देता हूँ शरीर का एक एक अंग इस घड़ी नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल रीति से कार्य करे। हर एक बीमारियों को मैं खत्म कर रहा हूँ, हर एक दर्द को मैं खत्म कर रहा हूँ, हर एक घाव को मैं खत्म कर रहा हूँ, हर एक समस्याओं को मैं खत्म कर रहा हूँ, हर एक चिंताओं को मैं खत्म कर रहा हूँ, हर एक दुखों को मैं यीशु के नाम में मैं खत्म कर रहा हूँ। प्रभु एक एक जीवन का उद्धार कर। वो जैसा तूने
नूह के जीवन में अपने अनुग्रह का दृष्टि बनाया, अय्यूब के जीवन में अपने अनुग्रह का दृष्टि बनाया। प्रभु प्रिय लोग जो मुझे सुन रहे हैं, ओ पिता पिता मैं प्रार्थना करता हूँ इन प्रियो के जीवन में अपने अनुग्रह का दृष्टि को दे। रिखा बाबा बाबा बा शखाला बाला बा, यीशु के नाम में मैं कहता हूँ इसी घड़ी तेरा अभिषेक उतर जाए, बदने टूट जाए, अंधकार की शक्तियां टूट जाए यीशु के नाम में। मैं देख रहा हूँ कई लोग आजाद हो रहे हैं, आजाद हो रहे हैं। मैं देख रहा हूँ किन्हीं के पैर में प्रॉब्लम है, ओ रा बाबा शखा रा बाबा, वो प्रॉब्लम, वो नशों का प्रॉब्लम, वो नशों का ब्लॉकेज यीशु के नाम में हील हो जाओ, चंगे हो जाओ इसी घड़ी यीशु के नाम में। मैं आज्ञा देता हूँ रखा बाबा बाबा शा, ओ रे बे शेखे ले बे, किन्हीं के कमर पर प्रॉब्लम को मैं देखता हूँ और इसी घड़ी प्रभु उन्हें छू रहा है, आजाद कर रहा यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। पेट में सूजन, पेट में घाव, मैं यीशु के नाम में मैं नष्ट करता हूँ और मैं बाहर करता हूँ शरीर से। रिखा ला बाबा 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 बा शखा ला 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 बा, ओ प्रभु मैं सारी बीमारियों को मैं नष्ट करता हूँ यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। मैं आज्ञा देता हूँ जितने प्रिय लोग मुझे सुन रहे हैं प्रभु इसी घड़ी आजाद हो जाए, एक एक का परिवार आजाद हो जाए, हर एक के बच्चे आजाद हो जाए, हर एक के माता पिता आजाद हो जाए यीशु के नाम में। रिघा ला खोसता बाबा तेरे रे बेशा बाला बाला बा, जितने निवेदन इन प्रियों ने लिखा है प्रभु इसी घड़ी एक एक निवेदन के ऊपर मैं दया कर तरस खा प्रभु, और एक एक निवेदन को प्रभु दया के साथ में प्रभु तू ग्रहण करना और इन प्रियों के जरूरत के अनुसार अब्बा तू कार्य करना। रबा बाबा बा शके रे रे बे शखा ला 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 बा, ओ रिखा बाबा 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 शखा बंदे रे रे बे शबा ला बा ला बा, ओ रबा बा शा, ओ हर एक प्रकार का गलत संगतियों को मैं नष्ट करता हूँ यीशु के नाम में। हालेलुया हालेलुया, जो जवान गलत संगतियों के कारण से अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूं ऐसे सारे जवानों को, ऐसे हर एक यूथ को प्रभु मैं तेरे हाथ में मैं समर्पित करता हूं। पिता दया कर जवान भाई बहनों को तो अभिषेक कर, हर एक प्रकार का पाप से, गलत संगतियों से, बुरी आदतों से प्रभु तू छू और छुटकारा दे बुरी आदतों से यीशु के नाम में। मैं आजाद कर रहा हूं परिवार में अशांति है, मैं नष्ट करता हूँ यीशु के नाम में। अपने हाथों को उठाए मैं देख रहा हूँ कई परिवार में, मैं देख रहा हूँ टूटा हुआ, मैं देख रहा हूँ परिवार टूटता जा रहा टूटता जा रहा, मैं देख रहा हूँ एक दूसरे से फैमिली रिलेशन टूट रहा है, खत्म हो रहा। मैं एक फैमिली को मैं देख रहा हूँ कि हर एक व्यक्ति अब एक दूसरे से, भाई बहन अब अपने एक दूसरे से बातचीत नहीं करता है। मैं देख रहा हूँ कि परिवार टूट रहा है। रबाबा शेखे रामा बाबा शाखो रोखोस्ता बाबा बा, ऐसे परिवार जो टूट रहे प्रभु दया कर प्रभु, ओ प्रभु दया के साथ में प्रभु ऐसे परिवार को प्रभु तो अभिषेक कर। जाओ ओ पिता परमेश्वर, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं, जहाँ पर भाई बहन एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं, जहाँ पर ओ रबाबा शबा लबा, ओ हालेलुया, बच्चे अपने माता पिता से बात नहीं करते, माता पिता अपने बच्चों से बात नहीं करते, ऐसे सारे रिलेशनशिप को मैं मजबूत करता हूँ और ऐसा टूटा हुआ परिवार किसी घड़ी यीशु के नाम में परिवार के अंदर भी यूनिटी आ जाए, एकता आ जाए। दया कर प्रभु और एक एक परिवार को प्रभु टूटने से बचा ले मेरे अब्बा। ओ राबा बाशे के रे ले बे, ओ प्रभु जो डिवोर्स के लिए पिता परमेश्वर प्रभु मैं देख रहा हूँ कि कई ऐसे लोग हैं जिनका मैं देख रहा हूँ डिवोर्स की आत्मा कार्य कर रही है, और मैं देख रहा हूँ कि हस्बैंड वाइफ के जीवन में किसी प्रकार का शक और ऐसी चीजों के कारण से जहाँ निराशापन है, मैं देख रहा हूँ तकलीफ में डिवोर्स, मैं देख रहा हूँ कि दोनों एक दूसरे से डिवोर्स लेना चाहते हैं। ओ राबाबा शेखे रे रे बेशा बाला 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 बा, परमेश्वर का अभिषेक ऐसे जोड़ियों के ऊपर में हो, ऐसे हस्बैंड वाइफ के ऊपर में हो, ताकि वो प्रभु में अपने जीवन को आगे बढ़ाने पाए, गलत निर्णय लेने से बचे और प्रभु की उपस्थिति में आगे बढ़ जाए। होली जीसस लॉर्ड, प्रभु अभिषेक कर दे यीशु के नाम में एक एक परिवार को। किन्हीं का सिर में काफी ज्यादा पेन होता है मैं देख रहा हूँ, और बार बार उनको चक्कर आता है, वोमिटिंग होता है, मैं देख रहा हूँ कि चक्कर आता है। प्रभु हील कर रहा है इसी घड़ी, हील कर रहा है यीशु के नाम में, जीसस नेम। ओ रबा बास्तो को रोबो, प्रभु का अभिषेक अभी भी कार्य कर रहा है, कई लोगों को छू रहा है। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर के जीवन के ऊपर में, दया कर प्रभु, प्रभु एक एक जीवन को अभिषेक कर। जब इस घड़ी हम तेरी महिमा के लिए भेंट चढ़ाते हैं प्रभु, प्रिय लोग जो कुछ भी तेरी सेवकाई के लिए देते हैं पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ इन प्रियों का ऑफरिंग देना, दान दशमांश देना प्रभु, इन प्रियों के जीवन में अभिषेक को लेकर आए मेरे पिता।
सामर्थ को लेकर आए, एनॉइंटिंग को लेकर आए प्रभु। फाइनेंशियली प्रॉब्लम नष्ट हो जाए यीशु के नाम में, हर एक कर्ज दूर हो, और इन प्रियों का देना प्रभु, इन प्रियों के जीवन में दुगनी आशीष आए प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, जितने प्रिय लोग देंगे प्रभु, तू हर एक को ब्लेस करेगा पिता, हर एक नौकरी को ब्लेस करेगा, हर एक कमाई के स्रोत को तू ब्लेस करेगा मेरे पिता, हर एक बिजनेस को प्रभु तू ब्लेस करेगा खुदा। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, तूने प्रार्थना को सुना है अब्बा, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को आशीष दे, जितने प्रिय लोग इस घड़ी शामिल है, परमेश्वर के जीवन में कार्य करेगा, आपका जुड़ना व्यर्थ नहीं जाएगा, प्रभु आपको आशीष देगा। हालेलुया मेरे प्रिय भाई बहन, यह समय होगा कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए हम भेंट चढ़ाएंगे, और आपके स्क्रीन पर एक डिटेल इस घड़ी आएगा, आप उस डिटेल के माध्यम से प्रभु की सेवकाई के लिए दे सकते हैं। परमेश्वर के भंडार को भरा पूरा रखेगा और परमेश्वर को आशीष देगा। आमेन आमेन हालेलुया हालेलुया। गूगल पे, फोन पे एंड बैंक का डिटेल आपके स्क्रीन पर इस घड़ी दिखाया जा रहा है, आप उसके माध्यम से प्रभु की सेवकाई के लिए दे सकते हैं, परमेश्वर के भंडार को भरा पूरा रखेगा। क्यूआर कोड है, आप जैसा भी आपको सुविधा होता है आप दें, आपका देना व्यर्थ नहीं जाएगा। हालेलुया हालेलुया। वचन कहता है दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, और जो आंसू बहाते हुए बोते हुए जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे। आमेन। आप जब बोएंगे आपको परमेश्वर जय जयकार के साथ में आप उस बीज को लौने भी पाएंगे। आमेन आमेन। वो आशीष आपको देगा, इसलिए बड़ी विश्वास के साथ जो भी प्रभु आपको भरता है आप दे सकते हैं, प्रभु आप सबों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया। इस गीत को हम गाएंगे गांव गांव, नगर नगर, डगर डगर में, और जरूर अपना नाम को जरूर लिखें, ताकि सैटरडे के दिन फास्टिंग प्रेयर में वचन से पहले उन प्रियों के लिए, जितने प्रिय लोगों ने बीज बोया इस वीक, उन प्रियों के लिए विशेष प्रार्थना की जाएगी। इसलिए जरूर अपना नाम, अपना प्रेयर रिक्वेस्ट आप लिखें, प्रभु आशीष देगा। आमेन। गांव गांव, नगर नगर, डगर डगर में यीशु प्रचार करूंगा। थैंक यू जीसस। आमेन। परमेश्वर के भंडार को भरा पूरा रखे आशीष दे, अपने स्क्रीन पर जो डिटेल है आप उसके माध्यम से दे सकते हैं, प्रभु हरे को आशीष देकर। मैं देख रहा हूँ कई लोग प्रभु की सेवकाई के लिए दे रहे हैं, प्रभु हरे को छुए, परमेश्वर के भंडार को भरा पूरा रखे, परमेश्वर आशीष दे। आमेन। तंतुओं का श्वास मेरा उन्हीं का है जो यीशु बोलता है,
मेरा उन्हीं का है जो यीशु बोलता है। उनका ना गाऊं तो गाऊं मैं किसका, यीशु प्रचार करूंगा। ओ हो यीशु प्रचार करूंगा, गाऊं गाऊं नगर 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 में यीशु प्रचार करूंगा। उनका आंचल से है भरपूर। जितने लोग दे रहे अपना नाम जरूर आप मेंशन करें ताकि आपके लिए विशेष प्रार्थना की जाए और सबको अपना प्रेयर रिक्वेस्ट को भी लिखें। परमेश्वर एक बार चीज देगा अमेन। ये सृष्टि उनकी सब कुछ है, उनका आंचल से है भरपूर। पिता हम धन्यवाद देते हैं, तूने अनुग्रह किया, दया किया पिता परमेश्वर। आज की आराधना में जितने प्रिय लोग इस घड़ी मुझे देख रहे हैं प्रभु, शामिल हुए पिता परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा तारीफ किए पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक का जुड़ना व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि तेरा वचन कहता है तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं जाता है। हाँ मेरे खुदावन, इन्होंने जो प्रभु आज की आराधना में शामिल हुआ पिता परमेश्वर, का परिश्रम व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि तू भरपूरी के साथ में एक एक जीवन को तो आशीषित करने के लिए जा रहा है खुदा। हर एक परिवार को अभिषेक कर पिता, जहां कहीं से भी ये प्रिय लोग देखते हैं पिता, हर एक के जीवन से होकर तू बातचीत करना मेरे खुदावन पिता। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु, जितने निवेदन इन प्रियों ने दिया प्रभु, एक एक निवेदन को प्रभु दया के साथ में ग्रहण करना और गवाही में बदलना, गवाहियों का जीवन को देना मेरे पिता परमेश्वर, ताकि ये प्रिय लोग कहने पाए कि हां परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य किया। पिता परमेश्वर जितने वचन को ये प्रिय लोग सुने हैं प्रभु, और वचन के अनुसार जब अपने जीवन को चलाते हैं, इन पर दया करना, तरस खाना प्रभु, और इन प्रियों के जीवन को तो अपने वचन के अनुसार चलाना और अगुवाई करना मेरे खुदा। पिता मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, जितने प्रिय लोगों ने धन्यवादी दान दिया, दशवांश दिया, भेंट दिया पिता, मैं प्रार्थना करता हूं एक एक के भंडार को प्रभु तू भरा पूरा रखना प्रभु, एक एक के भंडार को प्रभु आशीषित कर देना यीशु के नाम में प्रभु, ताकि इनका ऑनलाइन ऑफरिंग देना व्यर्थ ना जाए, लेकिन प्रभु भरपूरी के साथ में प्रभु ये जय जयकार करते हुए उस बीज को काटने भी पाए यीशु के नाम में प्रभु, भरपूरी के साथ आशीष मिले खुदावन पिताज की आराधना के लिए धन्यवाद। इस रात्रि की घड़ी के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हरेक को आज प्रभु मीठी नींद देना प्रभु, स्वप्न के द्वारा तू बातचीत करना मेरे खुदा, और हरेक के जीवन को प्रभु अपनी उपस्थिति में ले लेना मेरे खुदा। पिता हम धन्यवाद देते हैं सारे बातों के लिए, सारे आशीषों के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के श्रोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारे आशीषों के श्रोते धन्यवाद, सारे आशीष मिल
धन्यवाद 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 सारे आशीषों के श्रोते धन्यवाद। अब हमारे प्रभु कृष्ण का अनुग्रह ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे। आमेन आमेन आमेन। सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु यीशु साय। गॉड ब्लेस यू। प्रभु में आगे बढ़े। परमेश्वर के जीवन को आशीष दे। आमेन आमेन। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर महान है। बस हमारा आपको विश्वास में मजबूत होना है। कमजोर अपने आप को नहीं करना है। आप जहां कहीं से भी मुझे देख रहे हैं, मैं आपको कहना चाहूंगा, अपने आप को कभी कमजोर मत करिए। विश्वास में रहिए, प्रभु आप सबों के जीवन को इस्तेमाल करेगा। आमेन आमेन हालेलुया। शनिवार को फास्टिंग प्रेयर शाम 7:30 बजे होगी और संडे सुबह 9:30 बजे संडे आराधना और प्रत्येक बुधवार शाम 7:30 बजे चंगाई आराधना रेगुलर चल रही है। आप जरूर हमारे साथ शामिल होवे। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष देगा। और जरूर आप मेरे लिए प्रार्थना करिए, मेरी सेवकाई के लिए प्रेयर करिए और जरूर आप इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट करिए। आप अपना धन्यवादी दान दशमांश भेंट आप प्रभु की सेवकाई के लिए दे सकते हैं। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष देगा। और जितने प्रिय लोग देते हैं, मैं उन प्रियों के लिए मैं विशेष मैं प्रेयर करता हूँ ताकि वो प्रभु की उपस्थिति में और आगे बढ़ते चले जाएं। आपके पास कोई भी प्रार्थना निवेदन है, आप हमें कभी भी प्रार्थना निवेदन को व्हाट्सएप में मैसेज के माध्यम से, कॉल के माध्यम से, आप डायरेक्ट आप हमें SMS करके आप भेज सकते हैं। मैं जरूर आपके लिए प्रेयर करूंगा। और अगर आप रांची शहर से मुझे देख रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपके घर में कॉटेज मीटिंग फैमिली ब्लेसिंग प्रेयर हो, आप हमें संपर्क कर सकते हैं। मैं हमारी टीम आपके साथ में हम लोग होंगे और आपके लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। आमेन आमेन। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे। धन्यवाद।